हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली फैक्ट्स। ये फ़ोटो बचपन में आपने मॉरल साइंस की बुक में तो देखी ही होगी। पता है ये कौन है? ये श्रवण कुमार हैं। इन्होंने अपने कंधे पे अपने माता पिता को उठाकर चार धाम की यात्रा कराने का निश्चय किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है चार धाम। वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। उत्तर में है बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में है। दक्षिण में है रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है। पूर्व में है पुरी, जो कि उड़ीसा में है। और पश्चिम में है द्वारका, जो कि गुजरात में है। चलिए आगे देखते हैं। ये है बद्रीनाथ टेम्पल। ये हमारा पहला धाम है जिसमें भगवान विष्णु के अवतार श्री नारायण स्वामी की पूजा की जाती है। इसी जगह पे भगवान नारायण बैठ के तपस्या किया करते थे। फ्रेंड्स, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको ज़रूर सुनाऊंगा। अभी आगे देखते हैं। अगला हमारा धाम है रामेश्वरम। इसी जगह पे भगवान राम ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी और भगवान शिव की आराधना की थी। उसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट वीडियो छोटा है दोस्तों, इस वजह से सुना नहीं सकता। बट एक बात बताता हूँ, जब सीता माता को रावण हर के ले गया था, तब राम सेतु बनाने के लिए यहाँ पे भगवान राम ने शिव की आराधना की थी। चलिए अगला धाम देखते हैं। ये है कृष्ण की नगरी द्वारका, जिसे भगवान कृष्ण ने स्वयं बसाया था। कंस के वध करने के बाद इस शहर को बसाया गया, परंतु जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया तो कहा जाता है कि द्वारका का 1/3 भाग समुद्र में विलीन हो गया। अभी भी इस मंदिर की खोज जारी है, देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने अगले धाम यानी आखिरी धाम की तरफ चलते हैं। ये है पुरी का जगन्नाथ टेम्पल। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्री जगन्नाथ प्रभु की पूजा की जाती है, साथ ही साथ उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो में ही आपने चार धाम के दर्शन कर लिए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।